चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया था, लगातार जोड़ने को ही गुणा करना कहते हैं। तो अब देखिए जरा इन सबको जोड़ा तो एफ एक्स, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे हमने लास्ट में सिग्मा एफ एक्स लिखा हुआ है, तो उस समय सिग्मा नोटेशन के बारे में बताया था। सिग्मा बच्चों योग को प्रदर्शित करता है, जिस कॉलम के नीचे सिग्मा लिखा हुआ है इसका मतलब इस पूरे कॉलम का योग। तो सिग्मा एफ एक्स में आ गया 135, सिग्मा एफ में आ गया 12, और पदों का योग सिग्मा एफ एक्स में है, पदों की संख्या सिग्मा एफ में है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल आ गया सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ये हो गया। अब जब आंकड़ों की संख्या और बढ़ेगी तो उसको हमें वर्ग अंतराल में व्यवस्थित करना पड़ेगा। उसके पश्चात फिर हमें तीन विधियां प्राप्त होंगी अभी, कि जैसे जैसे आंकड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी तो आंकड़ों का प्रबंधन बदलता जाएगा। तो उसके बाद हमने बताया आपसे वर्ग अंतराल क्या होता है। वर्ग अंतराल दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म। वर्ग अंतराल में दो संख्याएं लिखी जाती है, पहली को बोलते हैं निम्न सीमा, अंग्रेजी भाषा में लोअर लिमिट, बाद वाले को अपर लिमिट अर्थात उच्च सीमा। दो प्रकार का वर्ग अंतराल बताया था आपको, इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही इंक्लूड रहती है, अर्थात 0 से लेकर 10 तक की संख्याएं इसी कॉलम के आगे लिखी जाएंगी, 10, 11 से लेकर 20 तक की इसमें लिखी जाएंगी। एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होती है, इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी कहा जाता है, आगे तोरण वगैरह जब हम बनाएंगे तो इसी की सहायता से बनाएंगे। ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, देख लीजिए आप, प्रत्येक वर्ग अंतराल की जो निम्न उच्च सीमा है वो अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, अर्थात इस वर्ग अंतराल में 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं ली जाएंगी, इसमें 10 से लेकर 19 तक, इसी प्रकार से आगे। फिर हमने आपको बताया, ये तो हो गई वर्ग अंतराल के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, और हमारा वर्ग अंतराल सदैव एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही होना चाहिए, हमें याद रखना है। अगर बाई चांस इंक्लूसिव फॉर्म में दिया गया है, बहुत कम आपके लेवल में आएगा ऐसे प्रश्न, शायद कभी आ जाए, तो इंक्लूसिव फॉर्म को हमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलना होगा। फिर हमने आपको सिखाया कि भाई इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदला कैसे जाता है, तो कैसे बदलेंगे इनका डिफरेंस देखेंगे। भाई प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा अगले की उच्च सीमा का डिफरेंस क्या है, 11 - 10 = 1, 21 - 20 = 1, फिर उसका डिफरेंस का आधा कर लेंगे। तो 11 - 10 = 1, 1 का आधा 1/2 अर्थात 0.5। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे आधा करके 0.5 आपको दिखाया है, फिर प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में डिफरेंस को घटाएंगे, उच्च सीमा में जोड़ेंगे। 0 में 0.5 को घटाएंगे तो -0.5 आ जाएगा, 10 में जोड़ेंगे तो 10.5 आ जाएगा, 11 में 0.5 को घटाएंगे 10.5 आएगा, 20 में जोड़ेंगे 20.5, इसी प्रकार से आगे 21 में 0.5 को घटाएंगे तो 20.5, 30 में जोड़ेंगे तो 30.5। फिर आपने देखा जो अब हमें आंकड़े प्राप्त वर्ग अंतराल प्राप्त हुए हैं, इसमें प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा अगली की उच्च सीमा है, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि वर्ग अंतराल के प्रकार और इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलते कैसे हैं। अब सीखेंगे वर्ग अंतराल जब दिया हो तो हमें समांतर माध्य निकालना है, उसका पहला मेथड प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड अगले वीडियो में देखिए।